दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला है। जी हाँ दोस्तों दोस्तों वह शेयर है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर आज 21.50 रुपए पर बंद हुआ है। दोस्तों कंपनी की बात की जाए तो आलोक इंडस्ट्रीज की स्थापना 1986 में हुई थी, 35 साल पहले। इसके फाउंडर जो थे वो थे सुरेंद्र जीवराजिका। जी हाँ दोस्तों, और ये आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है दोस्तों पहले दिवालिया घोषित हो चुकी थी, तो उसी प्रोसेस में इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज और JM फाइनेंशियल ने अपने हाथों में लिया है। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो होल्डिंग है इसमें दोस्तों वो 40.01% है और JM फाइनेंशियल असेट उसकी जो होल्डिंग है इसमें 34.99% की है। तो दोस्तों ऐसा कहा जा सकता है कि यह रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही कंपनी है अब आलोक इंडस्ट्रीज, और आने वाले समय में इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों अभी रिजल्ट आया था जो कि बहुत ज्यादा खराब नहीं आया है, और आने वाले समय में यह कंपनी बहुत ग्रोथ करने वाली है। आलोक इंडस्ट्री की बात की जाए दोस्तों तो आलोक इंडस्ट्री जो है एक टेक्सटाइल कंपनी है, यानी कि यह कपड़ा उद्योग से रिलेटेड है, यह कपड़े बनाती है। दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज अपने जो 100% प्रोडक्ट बनाती है उसमें से 26% माल 90 देशों को सप्लाई करता है। जी हाँ दोस्तों, आप समझिए कि यह कितनी बड़ी कंपनी है। और दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं वो है होम टेक्सटाइल, बेड लाइनन, टेरी टॉवल, एप्रियल फैब्रिक, वूवन फैब्रिक, इस तरीके के ये प्रोडक्ट बनाती है। दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज ने कोरोना के समय में PPE किट भी बनाई थी, और जो कि सारे देश में यानी पूरे भारत में सप्लाई की गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आलोक इंडस्ट्रीज को बोला था कि PPE किट बनाइए पूरी इंडिया के लिए और उसको सप्लाई कीजिए, और यह वर्क उसने बहुत ही अच्छा किया है। और आने वाले समय में कपड़ा उद्योग की मांग बहुत अधिक बढ़ने वाली है और इसका नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ है, तो इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है आलोक इंडस्ट्रीज की कंपनी, तो डरने की जरूरत नहीं है। मुकेश अंबानी भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वह ये कंपनी को बहुत ऊपर लेकर जाने वाले हैं। दोस्तों दोस्तों यह शेयर अभी बहुत ही सस्ता मिल रहा है 21.50 रुपए में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वह किस तरीके से अप और डाउन गया है। दोस्तों दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर अभी जुलाई 2020 में 53 रुपए तक गया था, उसके बाद यह 27 रुपए तक आया, और 27 रुपए के बाद यह दोबारा 40 रुपए 7 अगस्त को गया था। मतलब इसने पहले भी बाउंस बैक दिया है और अभी यह दोबारा से नीचे आ चुका है। दोस्तों यहां से इसमें इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही अच्छा मौका है। यह यहां से दोबारा से बाउंस बैक देगा, और बाउंस बैक देता हुआ पहले यह 27 रुपए पर जाएगा, और 27 रुपए क्रॉस करते ही यह 40 रुपए पहुंच जाएगा, और 40 रुपए क्रॉस करते ही 53 रुपए पर पहुंचेगा। और दोस्तों जैसे ही ये 60 रुपए क्रॉस करेगा यह सीधा
100 के पार 130 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो आने वाले समय में यह आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला है। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा फायदा कमा सकते हैं। दोस्तों आप लोग इसको कैश में बाय कीजिए और इसके शेयर की डिलीवरी अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए और इसको आप अगले 2 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 1 से 2 साल में यह आपको 130 रुपए तक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, यानी कि 120 रुपए से लेके 130 रुपए के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। आपको इसे 2 साल के लिए होल्ड करना है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा फायदा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक पर वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको बहुत अधिक फायदा देने वाला होगा। तो आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मेरे YouTube चैनल के बारे में आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि वह लोग भी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे वह लोग भी मुझसे जुड़ सकें। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।